आपको यकीन है। भगवाने ओ नाम जपो नाम मौलाना नाम मौलाना नाम मौलाना। हम जो जामी साहब मौलाना मेरे दिल दे बहुत करीब, मैनू हुण ही पता लगा भाई जवेद दे बारे च। अंदर बैठे हैं को 5 मिनट पहले एक दोस्त ने मैंने दसिया भाई जवेद दे बारे च। अल्लाह ताला उन्हां दे दर्जात च बुलंदी अता फरमाए। मेरी अमजद जामी साहब ते नज़र पई है कि मेरा को अज का तलक नहीं इन्हों नाल, 27-28 साल तो पुराना एक तलक है। मैं वेलकम पेश करांगा, खुश आमदीद पेश करांगा और दुआ मंगांगा। अल्लाह ताला सैयदा पाक दे लाला दा सदका मेरे इस वीर नूं सबरे जमील अता फरमाए और भाई जवेद साहब वास्ते दुआ है अल्लाह उन्हें दे दर्जात च बुलंदी अता फरमाए। हमजद साहब वेलकम जनाब, बिस्मिल्लाह। मैं जी चंद मिसरे पढ़न लगा जी, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। बेटा सुभान अल्लाह बोलो। मैं इत्थे उन्नू बैठ देना जिन्हें सुभान अल्लाह बोलने, तो जगह बदलनी पैनी जी, थोड़ी बड़ी मर्जी। आ जिहड़े दोस्त पिछे बैठे ने, दो दो कदम अगर अगे तशरीफ लियाओ तो मेरी दुआ है अल्लाह तुहानू सैयद ज़हरा पाक दे सदके जल्दी मक्का पाक ते मदीना पाक दा मुसाफिर बनाए। मैं फलदा एक गुलदस्ता तैयार करिए यार, तवज्जो रखना जरा। हाफसाबाद के लोगों को तो बड़ा शौर है अलहमदुल्ला कि महफल च बहना किवें, महफल चलानी किवें, महफल सुननी किवें, महफल सुनानी किवें। पूरी दुनिया च हाफसाबाद का एक नाम है। इत्थे ते मिन्नत तरले दी लोड़ ही नहीं पैंदी, इत्थे ते लोग अपने आप सुभान अल्लाह कहंदे ने। आइए जी, मालिक तू रहीम है, तू करीम है, तेरी जात सबसे अजीम है। अल्लाह तू रहीम है, तू करीम है, तेरी जात सबसे अजीम है, हम पर भी है। नाम जपो मौलाना नाम मौलाना नाम मौलाना नाम मौलाना नाम मौलाना। बुल्ले शक सूरी फरमांदे ने, जे मैं तेनू अंदर ढूंढा फिर मुकैयद जाना। मेरे रब्बा जे मैं तेनू अंदर ढूंढा फिर मुकैयद जाना, जे मैं तेनू बाहर ढूंढा मेरे अंदर कौन समाना। मैं बिच तू है हर जा तू है, इत्थे बुल्ला कौन ने माना। अलहम्द सनाई लागी जो मालिक हर हर उसका नाम चतारण वाला किसे मैदान नहरदा। बाबा वर्षा की आवाज आई, वर्षा फरमाने रे रात जागन डाढ़ा औखा, एक जागदा यार दा यार राती, एक जागदा चोर सानू ते दूजा जागदा पहरेदार राती, एक जागदा इश्क दी मर्ज वाला दूजा जागदा सख्त बीमार राती। वार शामियां सारे ही सौ जांदे, इको जागदा परवरदिगार राते। सजा हाथ चा के सुभान अल्लाह दी आवाज, गज बज के सुभान अल्लाह दी आवाज आए। बाबा फरीद की कहंदे, बाबा फरीद उद्दीन मसूद गंजे शकर पाक पतन दा लाड़ा। बाबा फरीद फरमांदे, सांदलवार दा शहजादा बड़े सगीर दा बादशाह मेरा बाबा फरीद साबर दा पीर। बाबा फरीद आप की फरमांदे, फरमांदे उठ फरीदा सुतिया तू टुरिया टुरिया जा, जे कोई मिल जे बख्शिया ते तू ही बख्शिया जा। मौलाना सुभान अल्लाह गावाले ओ नाम जपो। हजरात कलाम काफी तवालत में है लेकिन वक्त जो है वो बड़ी अदालत में है और सुभान अल्लाह की आवाज आदमी रहने जाइए। बेटा आप जागते रहिएगा, जब पीर साहब का बयान हो तो फिर कैसा वालहाना इस्तकबाल होना चाहिए कि आज हाफजाबाद की सरजमीन पर हमारे बुजुर्गवार चौधरी मोहम्मद नवाज भोन साहब, उनके साहबजादगान डॉक्टर साहब उस्मान भाई हसन भाई, इन्हों की पूरी टीम नू मैं पूरी फैमिली नू बिलखसूस माई साहबा भी मैं खराज तहसीन पेश करांगा, सलामी अकीदत पेश करांगा
और हकीकत बात है बड़ा मुश्किल तरीन दौर है। उस दौर जो कि पाकिस्तान की सिर्फ मईशत नहीं पूरी दुनिया की मईशत जी डावाडोल हो गई है, ये बावजूद इतना खर्च करके लंगर पका के मेहमाना बुला के इस बात का सबूत दे दिता है कि साडा जीना भी हसनैन के नाने वास्ते तो साडा सारा कुछ ही हुसैन के नाने वास्ते उन्होंने दिता है तो उन्होंने ना तो लाना है। जितने मौसम मेहमान बैठे उन्होंने शुक्रिया, जेडे मेरे वीर खड़े मैं बेटा गुजारिश ही कर सकना कोई हुक्म नहीं कर रहा, अगर मन जाओगे तो थोड़ी मेहरबानी, ना भी मनोगे तो इंज तमाशा वेख्या जाता है भी कोई उत्थे खड़ा हो जाएगा उत्थे अंदर हजूर का जिक्र हो बंदे बहर खलो के साइडा तो तमाशा आई तरह कोई फुटबाल कोई क्रिकेट का मैच नहीं हो रहा, इतने हसनैन करीम के ना ना जान का जिक्र हो रहा है। तो कोशिश करो अगलिया दरिया से आके बैठने की, अगले कलीन से आके बैठने की, अगले कलीन से आना, अगली सफ च आना हर इबादत अफजल होंगी है जी अगले सफ च की जाए। मैं मुहम्मद अजीम सुल्तानी उन्हें अगे गुजारिश करा बेटा तशरीफ लियाणगे और नाते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मद अजीम सुल्तान अपने बच्चे अगे गुजारिश करा बेटा कि नाशे पेश करे, तुम एक नारा बुलंद करोगे नाराए तकबीर, सजा हथ बुलंद करके नाराए तकबीर। साढ़े मुबशर भट्टी साहब भी तशरीफ लिया चुके हैं, मुजम्मल सैफी साहब भी आ गए हैं, साहबजादा साहब ने भी 11 बजे पीर साहब ने इंशाल्लाह साढ़े दरमियान होना है, जिन्हों तो बाद तिलावत कलामे पाक होएगी, फिर मुबशर भट्टी साहब, फिर उपरों इंशाल्लाह अज़ीज़ मुजम्मल सैफी साहब, फिर हजरत का भी बयान है बल्कि बिना हैं अच्छा बयान हो ये ठीक है, फिर उसके अलावा अलहमदुलिल्लाह इस सिलसिला साडा अगे चलेगा। बड़ी मोहब्बत नाल सुल्तान फियाजुल हसन कादरी सरवरी साहब सजादा नशीन दरबारे आ रही हजरत साहिब सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह आप तशरीफ लिया रहे हैं, आपका खसूसी बयान और आपके बयान तो बाद मुहम्मद आजम कादरी साहब हदायनात पेश करेंगे, उस तो बाद सलातो सलाम और दुआ होएगी। मेरी वड्यां अगे नौजवान अगे गुजारिश है कि कम अज़ कम अगला गुलदस्ता इस नीयत न पुर करो, जनाब की बड़ी मेहरबानी, अगर नाराज़ नहीं होना कि मैं सिर्फ चाहना कि साड़ी महफिल का एक हुसन तुसी तो बहार रखो, बहुत शुक्रिया। आइए मुहम्मद अजीम सुल्तान आज का पुरस्कार प्रोग्राम जनाब चौधरी नवाज मून साहब आपकी रहायशगाह के अंदर इनकाद पजीर है और मुबारकबाद पेश करने आपकी पूरी टीम नू और इमलाकारी जवाब रवान साहब माशाल्लाह भी बहुत प्यार मुहब्बत फरमाते हैं, रिजवी साहब माशाल्लाह हर तरह ही मुहब्बत फरमाते हैं, अल्लाह पाक इन्हें सलामत रखे और जो मैं हुक्म किया गया इंशाल्लाह मैं इस तरह ही अपनी हाजिरी कंप्लीट करूँगा। जड़े सानी बैठा हुए वो मेरे ना मिलके दुरूद पाक पड़ेगा, बुलंद आवाज़ ना पढ़ लो सल्लल्लाहु अलैहि या हुसैन केड़ा बैठा जरा हाथ उठाओ जरा सारे बैठे ने बुलंद वरना बोलो सल्लल्लाहु अलैहि कया रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह आंधा ओ पढ़ ले सल्लल्लाहु अलैहि कया रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि पहले रुबाई पेश करना है, उन्होंने चेहरे देखना जरा केड़ा सुभान अल्लाह बोलते केड़ा नहीं, जेडे हाजिर बैठे बोलो सुभान अल्लाह असा ताज असा ताज ते तख्त नु की करना हो सड़ता जितरी नाले
जिन्हें समझ लाइक लगी बोले सुभान अल्लाह असाताज ते तख्त नु की करना साडा ताज तेरी नालैन ऐ कमली वाले महबूबा तेरी याद दिले दचैन ऐ कमली वाले महबूबा तेरी याद दिले दचैन तोजो तू हाकिम हर एक हाकिम ना ए हर हाकिम दा कहने तेरे नाल दा सोना एक भी नहीं मैं सच कहना कसम हुसैन कसम हुसैन तेरे नाल दा सोना एक भी नहीं मैं सच कहना कसम हुसैन और एक रुपए तेरे ईमान की गल कर लगा तेरे एक मिन्नत करना के ईमान बड़ा अनमोल होंदई ईमान बड़ा अनमोल होंदई ईमान नु खुसरण देवी सराकी थोड़ी फिर समझने की कोशिश करे बोलो जरा सुभान अल्लाह ईमान बड़ा अनमोल होंदई अनमोल हुंदई ईमान नु खुसरण देवी मासूम जमीर दा पहरा देवी किसे शिमर तो कुसरण देवी मासूम जमीर दा पहरा देवी किसे शिमर तो कुसरण देवी तवजो हाकिम दिल दीपाक मसीद अंदर किसे निज सनो कुसरण देवी इको मिन्नत आखरी सावत ओ हसनैन नुरसन न दे इको मिन्नत आखरी सावत हसनैन नुरसन न दे कारी साहब ने जो कम किया इंशाल्लाह वही कलाम पेश करके मैं चाहे चाहूँगा हसनैन रुसनन देवी क्यों ना रुसन देवी हाँ क्योंकि खुदा है चौंदा जहाँ ते नबी नबी होए साहब खुदा है चौंदा जहाँ ते तुसी चाहते हो हाथ उठा के मेरे नाल खुदा है चौंदा जहाँ ते नबी नबी होवे खुदा दी जानदा जहाँ ते नबी नबी होवे ते नबी की जानदे ने नबी है चौंदा जहाँ ते नबी है चौंदा जहाँ ते अली अली होवे अली वाला बोले कर नारे हैदरी नबी है चौंदा जहाँ ते अली अली होवे खुदा है चौंदा जहाँ ते नबी नबी होवे और बहुत बड़ी गल कर लगा हुसैन पाक दी बार गए कि जोगर दगर भी लुटावे सर्विवार देवे तेरी मैनू ईमान बड़ा सौखा लग गया वे हूँ गल कि कर लगा बोलो सुभान अल्लाह जोगर दगर भी लुटावे ते सर्विवार देवे जोगर दगर भी लुटावे ते सर्विवार देवे हुसैन वर गजहाते केड़ा सखी होवे खुदा है चौंदा जहाते नबी नबी होवे नबी है चौंदा हाथ उठा के नबी है चौंदा
बंदा जहां दे अली अली होवे खुदा है चो ना जहां दे दे। और ऐसे बात जो वक्त हों सुभान अल्लाह सुबह जो वक्त हों नमाज पढ़ी दी बाहर निकली जाए खूबसूरत माहौल और सुबह सुबह मीठी मीठी हवा एक ही कहती है सवेरे बन के सवाले पैर जा कर दिए सवेरे बन के सवाले पैर जा कर दिए कि हुजूर जुल्फ हटाओ के रोशनी होवे खुदा है चौदा जहां दे नबी नबी होवे। और ऐसी बारगाह आ गई है जिते नजर झुका के भी गल की असि ते उन्हें दब बच्चे कोई गल भी नहीं कर सकते साहब जो हुक्म जी बिस्मिल्लाह। हाँ हुसैन हुसैन दी मादा मुकाम कौन दसे जी साहब हुसैन हुसैन दी मादा मुकाम कौन दसे जो मुस्तफा दी हसी गो दे विच पली होवे खुदा जो दा जहां ते नबी नबी होवे। और आखिरी शेर रिजी साहब बहुत अच्छे मक्ता पेश कर रहा हूँ हाकिम साहब क्या लिखते हैं कि एहो तमन्नाए हाकिम एहो दुआ है मेरी जी दुआ है बोलो रे सुभान अल्लाह। एहो तमन्नाए हाकिम एहो दुआ है मेरी एहो तमन्नाए हाकिम एहो दुआ है मेरी आखिर तक उन बोलेगा कदम नबी देहवण सा कदम नबी देहवण सा आखरी होवे खुदा है जो दा जहां ते नबी नबी होवे नबी दा जहां ते नबी नबी हो। बहुत शुक्रिया जी मैं वादबाना गुजारिश करांगा तमाम संगियां आगे सुनने वाले सुभान अल्लाह कहते रहना तो सुनान वाले आगे भी ये गुजारिश है कि मुख्तसर जी हाजरी है 11:15 बजे सुल्तान फयाज़ुल हसन कादरी साहब के माइक वाले करना है अगर कोई संगी रह गए तो फिर बाद पढ़ाए जाएंगे इस वास्ते मैं पूछा ना कि कम अज़ कम आज़म कादरी आगले तो रह जाए उन्होंने तो पहले पहले असी सारे दोस्तों मैं बिला तखीर भी दावत देनी पवे तो मैं हसन साहब का मेरा एक ऐसा तलक है मेरे वीर नाल भाई है मेरा और मैं इतने कोई मेहमान बन के नहीं आया इस वास्ते दो तो तीन तीन अशार जड़े मैं दोस्तों अगे गुजारिश कराँगा वो सुनाएंगे तो हसन भाई अगर गुजारिश है कि जरूरी है कि 1.5 घंटे जिन्ना बंद ने सुनना है तिना शेर भी बंदा बंदा सुने जा सकता है मेहरबानी सुनना जो तो सही है सुभान अल्लाह की आवाज़ आए अली रजा साहब अली रजा साहब अली रजा आजम तशीफ लिया देने और आका करीम की बारगाह चंदना हकीकत पेश कर दें जहाँ भी हूँ वैसे दूसरा दा सरकार सुनते हैं सरियाई ना सुनते हैं पसी दीवार सुनते हैं दरूद इस मोहब्बत और अकीदत से पढ़े हैं पढ़ते हैं और अकस्मात फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह
सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जदा जग परवाना हसनैन दनाए सारे मिलके पढ़ो बाबाए सहरा बाबाए सैयदा हसनैन दनाना बाबाए सहरा हसनैन दनाना बारगज में पेश करके एक शेर मौला अली पाक दी बारगज एक शेर जी मौला अली पाक दी बारगज एक शेर पढ़ के मैं इजाजत चाहूंगा एक मोहब्बत ना को सुभान अल्लाह अली वर्गा जमाने ते जिंदा पीर अली सज्जा तो उठा के लहरा के पड़ेगा अली वर्गा जमाने ते कोई पीर दिखा अली वर्गा जमाने ते कोई पीर दिखा समाने ते कोई तीर था मैनो अली वर्ग समाने ते कोई तीर था मैनो अली बाज मोहम्मद दा कोई वीर था मैनो अली 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 वर्ग ज़माने ते
अच्छे बेटा, बहुत अच्छे बेटा अली रजा। इन्हें तो पहले अजीम बेटे ने बड़ा अच्छा पढ़िया, अली रजा ने बड़ा अच्छा पढ़िया। हकीकत बात है, मैं मिम्बरे रसूल से बैठा नौकरों थोड़ा खादिम हाँ। अली का तरह से जिंदगी मुनाफकत की मौत है। मुनाफकाना रवश गल कर बचपन तो आदि नहीं, लेकिन क्योंकि साढ़े दूरों जोड़े मेहमान आए ने अस उन्होंने भी सुनना है। तो ये जो उस्ताद साहब बाद वाले ने माशाल्लाह बड़ा अच्छा पढ़ने वाले ने, बचपन तो माशाल्लाह अपने हाथों नाल ही तराशे ने बच्चों, दिल तो करते सारी सारी रात पढ़ते रहन, लेकिन मजबूरी है। इस वास्ते तुसी जरा जरूरी नहीं कौन को डेढ़ घंटा सुनाए तो सारा गुरदा फिफरा थोड़े अगे ऑपरेशन करवा के रखे, फिर ही तुम सुबह अल्लाह कहना है। एक बोल तो भी सुबह अल्लाह बोलोगे तो हसनैन के नाल राजी हो गए। थोड़ी बड़ी मेहरबानी है, वक्त को देखना मद्देनजर रखना है। अगर सुल्तान फयाज सिंह का बयान ना रखा होता, चलो मैं थोड़ा जा रिक्वेस्ट कर लेता, फिर भावें सारी रात भी प्रोग्राम चलाइए तो कोई ऐसा मसला नहीं है। क्योंकि हसन भाई बिलखसूस इन्हों के वाले की गिरामी चौरी मोहम्मद आवाज बून साहब, साढ़े मोहसन साढ़े बुजुर्ग डॉक्टर साहब और उस्मान भाई और साढ़ा हसन भाई, माशाल्लाह मैं हवेली वेखी क्या हरियाली क्या खूबसूरत माहौल, और ये तीन दिनों के सारा प्रोग्राम मैनेजमेंट किया गया। ठीक है जनाब, पहले रखी पैफल, फिर सोचा चलो थोड़ा जहा मौसम ठीक होएगा अगे, लेकिन को फिर गया नहीं, भावें तीन दिन कराओ, तिना दिन भी तुसा आके साबित कर दिता यार भी कमाल हो गया। मैं बड़ा खुश होया, बड़े अजीम लोग बैठे हो, मौजूद मेहमाना का गुलदस्ता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, आइए मोहम्मद काशिफ साहब अगे गुजारिश है बेटा, एक नाशरीफ ने चंदा शार पेश करो, इन्हों तो बाद अलामा मुजाहिद साहब इंशाल्लाह इख्तसार नाल गुफ्तगू फरमाएंगे, फिर इधर अलामा साहब ने इन्होंने नाल ते उस तो बाद फिर मुबशर पुट्टी साहब 10 मिनट की हाजरी, तो विच ही फिर मुजम्मल सैफी साहब 10 मिनट की हाजरी, 10-10 मिनट की हाजरी पेश करेंगे सारे इंशाल्लाह। खैर हो, सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या वासे के सुभान अल्लाह के सुभान अल्लाह खत्मे रसूल खत्मे रसूल खत्मे रसूल मक्की मदनी खत्मे रसूल मक्की मदनी खत्मे रसूल मक्की मदनी कौने ने तुम्हें सांसो शर्माएगा नहीं, दोवें हाथ बुलंद करके गवाही देगा कि सरकार वर्गा कोई नहीं। कौन ने में तुम्हें कोई नहीं और आप अभी से थक गए हैं क्योंकि हाफजाबाद वालों का ये जोक नहीं है, दोनों हाथों को बुलंद करके कहें कोने ने में तुम्हें कोई नहीं साफ तो सब ने पाए हैं पर हुस्न सरा पा कोई नहीं ओ साफ तो सब ने पाए हैं पर हुस्न सरा पा कोई नहीं ओ साफ तो सब ने पाए हैं ओ साफ तो सब ने पाए हैं
आदम से जनाबे ईसा तक आदम से जनाबे ईसा तक आदम से जनाबे ईसा तक सरकार के जैसा कोई नहीं कोई नहीं अल्लाह के खैरात मोहम्मद से पाकर किस नाज से कहते हैं मंगते जो सरकार के टुकड़ों पे पलता है मेरी दावत सिर्फ उसको है खैरात मोहम्मद से पाकर किस नाज से कहते दुखियों पे करम 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 दुखियों पे करम करने वाला सरकार से अच्छा कोई नहीं कोई नहीं है मक्की मदनी नैन में तुम सा बारकल्लाह बात किया अजीम बेटे को समाप्त किया अल्लाह ताला इन बच्चों को सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमाए ये अपने हाथों से तराशे हुए बच्चे हैं बड़े अदब वाले बच्चे हैं अल्लाह ताला इनको सलामती वाली ज़िंदगी दे और आप सब लोगों को दोस्तों को अल्लाह सलामत रखे दौरान नात ही मेरे पाकिस्तान की एक बहुत खूबसूरत आवाज़ फ़ख्र नारोवाल मुबशर हसन भट्टी साहब आपकी तशरीफ़ आवरी हुई मैं जनाबे चौधरी मोमिन नवाज पून साहब डॉक्टर साहब उस्मान भाई हसन भाई इन्हों की पूरी टीम की तरफों मैं वेलकम पेश कराँगा तुसा सारे भी तो मुबशर भट्टी साहब ने भी इस तो कबल कि मैं अलामत साहब किबला दे माइक हवाले करा थोड़े अगर गुजारिश है कि पूरी दुनिया चो काफले यकम मुहर्रम तो लैके दस मुहर्रम तक सुल्तान बहू के बूहे से जाते जाते हो कि नहीं जाते जाते हो कि नहीं जाते जाते हो ना तो जाते हो लेकिन एक गल याद रखना कि यकम मुहर्रम तो लैके दस मुहर्रम तक मेरे बाहू के आस्थाने से मेरे बाहू का उर्स नहीं होंगे सुल्तान बाहू का उर्स नहीं होंगे उत्थे मौला हुसैन का उर्स होंगे और सखी सुल्तान बाहू की जाहरी जिंदगी तो लैके अज तक हो रहा है और आपका सालाना उर्स मुबारक सखी सुल्तान बाहू का जमादी हुसैनी की दूसरी जमरात में होंगे लेकिन यकम मुहर्रम तो लैके पूरी दुनिया चो बसा काफले किस तरीके नाल नौ मुहर्रम नूं मैं सुल्तान फयाज साईं दे बारगाह च हाजिर होया मरकज़े हुसैन च और यकीन जिहड़ी शख्सियत चंद लम्हात तो बाद साडे दरमियान तशरीफ लियाण वाली
क्योंकि कंड के पिछे गल की जाए वो ठीक होती है, वरना बाज का तो चपकलोशी भी हो जाती है, तिटीसी भी हो जाती है, बंदे फिर गल्ला भी बड़िया करते हैं। उन्हें कंड पिछे मैं एक मिनट थोड़ा लेना, तो उस बाद हजरत साहब के माइक हवाले करा। वक्त में मैं बड़ा मद्देनजर रख रहा, गुजारिश है कि पूरी दुनिया से उन्हों का एक नैटवर्क है यतीमा की कफालत का, बहुत बड़ी दरसगाह मरकज़ हुसैन सखी सुल्तान बाहू के आस्थाने से। फिर मैं यूरोप यूके बर्मिंगम तो लैके 40 मुल्कों के मैं अपनी अखा नाल उन्हों का वर्क वेखे है, अलहमदुल्ला सुमा अलहमदुल्ला। और तकबीर टीवी बर्मिंगम तो उस तो अलावा उन्हों का बड़ा एक सिलसिला है, वह यतीमां की कफालत, गरीब विवाह बच्चियों का सहारा, बड़ा वो नैटवर्क है। तो मैं चाहना कि उन्होंने बयान तो पहले पहले असं अपना जीन बनावे इंशाला कि असा मरकज़ हुसैन वास्ते उन्होंने की मुहब्बत फरमानी है और किस कदर करनी है। जिस तरह साई तशीफ लियाणगे तो फिर सारे संगी खड़े होकर इस अंदाज ना से उन्होंने इस्तकबाल करांगे कि अज प्यासे को प्यास लगती है तो वो कुएं के पास चल के जाता है, लेकिन अज मेरे बाहू ने कुआं ही साढ़े कल्पे चढ़े। इंशाला असी अहले अदब हाँ, असी अहले मुहब्बत हाँ, बहुत शुक्रिया तुम बड़े प्यार नाल बैठे। आइए मैं हजरत अलामा मौलाना कारी मुजाहिद इकबाल चिश्ती साहब दामद बरकात मुकदसिया अपने वीर अगे मुलतमिस हैं कि अपने हुसर गुफ्तगू के नाल साडे दिलों नूं मुनव्वर फरमाणगे। हसूले बरकत वास्ते एक नारा बुलंद करो, नारे तकबीर। थोड़ी बड़ी मेहरबानी, मैं तुहानू पुराना जानदा, तुसी मैनू सारे जानदे हो, अपना बड़ा गहरा जिहा रिश्ता है, बड़ी गूढ़ी यारी है थोड़ी साडी, लेकिन थोड़ी मेहरबानी कदी बगैर नकाबत तो भी बोलिया करो। बस कद बंदा बचोला जिहड़ा उह फस जांदा है, है अगो भावें जाता है, मसला कुछ भी हो जाए, जिहड़ा विच बचोला आंदा ना बेचारा, वह फिर मेज़बान नहीं हुंदा, बेज़बान हुंदा है। बस कद बेज़बान का मतलब ज़बान दे के फिरन वाला नहीं, बेज़बान का मतलब फिर उहदी मजबूरी हुंदी है कि प्रोग्राम नूं चलाना किवें। ये फिर कारी साहब एडे सियाने ने, ये सारा कुछ ही मेरे उत्ते छोड़ देते हैं, ले भाई जी तू कर जो करना। फिर डरदा फिर नाल दे बंदे दे पैर नूं भी हाथ नहीं लाउंदा, है जी ऐसा खूबसूरत कारी है, अच्छा इंसान है। फिर मैं क्या तू सैड दो मैनू, मैं पैर मैनू पैर से चूंडी भी वढ़नी आउंदी है ते चूंडा भी वढ़ना आउंदा अल्लाह दे हुक्म नाल। इस वास्ते असी मुहब्बत वाले लोग हाँ, सानूं मुहब्बत दा पैगाम हजरत दी गुफ्तगू। ये हसन भाई साढ़े बड़े प्यारे वीर ने, बड़ी मेहमान नवाज शख्सियत है, बड़ा प्यार करने वाला मेरा साडा भाई। अल्लाह ताला इन्हां नूं, इन्हां दे वालदे गिरामी नूं, इन्हां दे भाइयों नूं, बिलखसूस साडी अम्मा जी नूं भी सेहत कामला अता फरमाए। एक नारा वे, नारे तकबीर। मलक फरहान साहब अगर मेरी आवाज़ नूं सुन रहे ने ते महफल नूं जरा फरत बख्शो, फरहान बख्शो, ते स्टेज ते आ जाओ। मलक फरहान साहब दूर खड़े ने माशाल्लाह, दरख्त की ओट के पिछे आ गए ने इंशाल्लाह। एक नारा जी, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा गौसिया, दोनों हाथ उठा के ताजदार खत्मे नबूवत, सीने का जोर हाफजाबाद आ लो, ताजदार खत्मे नबूवत, करबला कशा हुसैन, करबला कशा हुसैन, करबला कशा हुसैन जी। हजरत साहब सुभान अल्लाह।